राजकोट में उदय शिवानंद होस्पिटल अग्निकांड में 9 दिवस बाद वधु एक दर्दीनु सारवार दरमियान मौत थता दुर्घटना नो कुल मृत्युआंक 6 पर पहुंचो छे। आगनी घटना में गंभीर रीते दाझी जता गांधीधाम 66 वर्ष दादी दर्दी एवं थावर भाई महेश्वरी नामना व्यक्ति ने गोकुल होस्पिटल में आईसीयू वोर्ड में खसेड़वामां आव्या ज्यां तेओ अंतिम श्वास तेओए लीधा त्यारे सवाल ए छे के शुं फरी डॉक्टर पर वधु एक दर्दीना मौतनो गुनो दाखल थशे। राजकोट में कोविड होस्पिटल में अग्निकांड केस में सुप्रीम कोर्ट में मुद्दो उठ्या बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय जाग्यू। गृहमंत्रालय नर्सिंग होम्स होस्पिटलों में फायर सेफ्टी ना पालन मुद्दे राज्य सरकार पास रिपोर्ट मांग्यो। साथ ही फायर सेफ्टी की एनओसी संदर्भे ने विगतो 15 डिसेम्बर सुधी सौंपवा आदेश। अमदावाद में प्रहलादनगर रोड पर आवेली तपन होस्पिटल में कराई मॉकड्रिल। शहर में वधता आगना बनावों ने लेने होस्पिटल स्टाफ ने मॉकड्रिल में करायो सामेल। होस्पिटल में अचानक आग लागे त्यारे होस्पिटल स्टाफे खास करीने केवी तकेदारी राखवी, कई बाबतों खास ध्यान राखवू, आवा समय दर्दियों ने अन्य स्थले केवी रीते खसेड़वा जेवी अनेक बाबतों की ट्रेनिंग आपवामां आवी। सुरेन्द्रनगर में गांधी होस्पिटल खाते मॉकड्रिल योजाई। मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी और सीविल सर्जन की देखरेख हेठ मॉकड्रिल योजाई। आपातकालीन समय आपवामां आवती सेवानुं डेमोन्स्ट्रेशन करवामां आव्युं। फायर विभाग ने एक्सपर्ट ट्रेनर से कर्मियों ने आपी जरूरी माहिती। हॉस्पिटल ना कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी थी कर्या माहितगार। आग लगवानी घटनाओं ने ध्याने राखीने जामनगर नी जीजी हॉस्पिटल में जरूरी सुविधा उभी करवामां आवी। आग लगवानी घटना बने तो ओछू नुकसान थाय तेवा हेतुसर सुधारा वधारा करवामां आव्या। जे मुजब आईसीयू वोर्ड में अंदर बहार जवा माटे वधारा दरवाजा गोठवामां आव्या। तो वायरिंग इलेक्ट्रिक उपरांत तमाम कामों में फायर प्रूफ वस्तुओं खास ध्यान रखायो। महत्वनुं छे के थोड़ा दिवस अगाउ जामनगर नी सरकारी जीजी हॉस्पिटल में आग लागवानी घटना बनी जेमा आईसीयू वोर्ड बळीने खाक थई गयो। त्यारबाद हॉस्पिटल तंत्र द्वारा खास तकेदारी राखी जरूरी व्यवस्था कराई। पाकिस्तान द्वारा फरी एक वक्त जलसीमा में नापाक हरकत। द्वारका भारतीय जलसीमा नजीक मछीमारी कर रहेली बोटनु अपहरण। बे बोट अने 20 मछीमारनु अपहरण करवामां आव्युं। अपहरण करायेली बंने बोट्स ओखानी होवानुं आव्युं सामे। बोटना अपहरणने लईने मछीमार समाजमां व्यापक रोष। सूरत जिल्लाना उलपाड़ अने चौर्यासी तालुकामां झींगा तळावनो मसमोटो वेपलो चाली रह्यो छे। अहीं कायदेसर अने गैरकायदे एम बंने प्रकारना तळाव आवेला छे। झींगा तळावनी खेतीमां लाखो करोड़ों रूपया एक ज पाकमां मेळवी शकाय तेम होवाथी झींगा फार्मर्स देव करीने पण आ धंधामां झंपलावी रह्या छे। जो कि उलपाड़मां झींगा तळावनी मंजूरीनी आड़मां मसमोटू कौभांड आचरवामां आव्युं होवानुं सामे आव्युं। झींगा तळावनी मंजूरी आपवाना बहाने लोको पासेथी करोड़ों रूपया उघरावी छेतरपिंडी थई रही छे। झींगा फार्मर संदीप पटेलनी फरियाद बाद समग्र मामलो बहार आव्यो। सूरतनी महिला पीएसआई अनीता जोशीना मौत बाद पुलिस विभागे आजे अनीता ने गार्ड ऑफ ऑनर आप्यो। प्रोटोकॉल मुजब योजायेला गार्ड ऑफ ऑनर में शहर पुलिस विभाग उच्च अधिकारी जोड़ाया अने अनीता ने भावभीनी श्रद्धांजलि आपी। परिवार सभ्यों पण आ प्रसंगे हाजर रहा। प्रोटोकॉल मुजबनी कामगीरी पूर्ण कर्या बाद परिवारजनोए अनीता की अंतिम विधि पूर्ण करी अनीता ने अलविदा कही। गोधराबा पीपड़िया गाम में वीजळी अभावे लोको अनेक मुश्केलीनो सामनो करी रह्या छे। लाइट डीम होवाना कारणे पाणीनी समस्या पण सर्जाई। वीजळी होवा छतां लोकोना घरोमां अंधारू छवायुं। वीजळीना अभावे गामना बोर अने मोटर जाणे के शोभाना गांठिया बन्या। जो के हवे उच्च अधिकारीओ सुधी रजूआत करी ग्रामजनो थाक्या। कलोल जीआईडीसीमां फार्मा कंपनीमां ब्लास्ट थता एक आधेडनुं मौत। टेब्लेट बनावती कंपनी में चार्ज जनरेट थवाथी स्पार्क थता अचानक आग लागी जेमां बे लोको इजाग्रस्त थता होस्पिटल में सारवार माटे खसेड़ाया। वडोदराना सावली तालुकानी एक कंपनी में कामदारनुं शंकास्पद मौत थता विवाद सर्जायो। सावलीना मंजूसर गाममां आवेली हरिहर ओर्गो केम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ घटना बनी। अहीं कंपनी में हेल्पर तरीके काम करता व्यक्ति शंकास्पद मौत थयुं। तेओ कंपनी में केमिकल टैंकर पासेथी पसार थई रह्या हता त्यारे अचानक ज फसड़ाईने नीचे पड़्या जेमां मौत
निपजू छे। जो कि आ मौत गेसनी असर थवाना कारणे थयुं होवानो परिवारनो आक्षेप, साथे ज तेमणे कंपनी पासे वर्तनी मांग करी। ज्यां सुधी वर्तन नहीं मळे त्यां सुधी परिवारे मृतदेह स्वीकारवाथी इनकार कर्यो। આણંદમાં ભાલેજ રોડ ઉપર બેંક ઓફ બરોડાના એટીએમમાં વહેલી સવારે આગ લાગી। ઘટનામાં એટીએમ ચેમ્બર બળીને ખાક થઈ ગઈ। ઘટનાના પગલે ફાયર વિભાગે આવીને આગને કાબૂમાં કરી। શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગી હોવાનું અનુમાન। સુરતમાં 14 વર્ષીય પુત્રીની છેડતી કરનાર પિતાની કતારગામ પોલીસે કરી ધરપકડ। પુત્રીની છેડતી કરી પત્ની અને પુત્રીને ઢોર માર માર્યો હતો। पत्नीए फरियाद नोंधाता आरोपी पति पुलिस सकंजामां। नराधम पिताए पोतानी पुत्री उपर ज नजर बगाड़ी। पुत्रीनी छेड़तीनी घटनाथी पत्नीए गुस्से भराई पुलिस स्टेशन में फरियाद नोंधाता पुलिसे तात्कालिक कार्यवाही हाथ धरी। સુરતમાં માંડવીના પૂનામાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે દરોડા પાડીને મોટી માત્રામાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપ્યો। 300થી વધુ પેટી દારૂ સાથે 10 કાર, 2 પિકઅપ તેમજ 2 પિકઅપ વાન અને 1 બાઇક સહિત એક આરોપીની અટકાયત। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડીમાં લીંડા સ્કૂલના આચાર્ય પિતરાય ભાઈની હત્યા કરનાર આરોપી શિક્ષકે કુવામાં કૂદીને આપઘાત કર્યો। આચાર્યની હત્યાના ત્રીજા દિવસે આજે નસવાડીની અશ્વિન નદી પાસે હરિપુરાની સીમના વાવરુ કુવામાંથી મળ્યો। પિતરાય ભાઈની હત્યા કર્યા બાદ પોતાની ભૂલનું ભાન થતાં લાગી આવતા શિક્ષકે આપઘાત કર્યો હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે। નસવાડી પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી। સુરેન્દ્રનગરના મૂડી નજીક વીરપર ચોકડી પાસે ટેમ્પો અને કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો। અકસ્માતમાં 2 લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતા તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા। પંચમહાલમાં ગોધરા પૂર્વ રેન્જના બિટગાર્ડ અને રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર લાંચ લેતા ઝડપાયા। બંને સરકારી કર્મચારીએ જંગલ વિસ્તારમાંથી પસાર થતી ટ્રકને રોકીને માંગી હતી લાંચ। લાંચની 23,500ની રકમ સ્વીકારતા એસીબીએ તેમને રંગે હાથે ઝડપ્યા। વડોદરામાં આજવા ન્યૂ વીઆઈપી રોડ ઉપર પાનના ગલ્લામાં ચોરીની ઘટના બની। પોલીસ ચોકીની નજીક આવેલા ગલ્લામાંથી ₹15,000ની ચોરી થઈ। સ્થાનિક પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી। સીસીટીવી ફૂટેજીસના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી। મહેસાણામાં 8 ગામ કડવા પાટીદાર સમાજની અનોખી પહેલ। કોરોના મહામારીમાં સમૂહ લગ્નનું અનોખી રીતે આયોજન। સમૂહ લગ્નમાં નોંધાયેલ લગ્ન પૈકી દર રવિવારે 1-1 લગ્ન સમાજ દ્વારા કરાશે। કોવિડ-19ની ગાઈડલાઈન મુજબ 100 માણસોની હાજરીમાં યોજાશે સમૂહ લગ્ન। ભારતના યુદ્ધ જહાજ વિરાટને મ્યુઝિયમમાં ફેરવવાની તમામ અટકળો પર પૂર્ણ વિરામ લાગી ગયું। મ્યુઝિયમમાં તબદીલ કરવા માટેની અરજી કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રાલયે ફગાવી, જેથી વિરાટને ભાંગવાની કામગીરી સમયસર અલંગ ખાતે શરૂ કરવામાં આવશે।